दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वे 16 महीने से सलाखों के पीछे हैं और वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन आज भी जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब अगले सोमवार को इस पर सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया के तरफ से जमानत दिए जाने की रखी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह कहते हुए जमानत मांगी है कि वह 16 महीने से जेल में बंद हैं और अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमा आगे नहीं बढ़ा है। सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई को याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुआ था और सीबीआई और ईडी से जवाब भी मांगा था। वहीं मनीष सिसोदिया ने शराब नीति, उत्पाद शुल्क से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जमानत याचिका को फिर से शुरू करने की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया था। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 5 अगस्त को दिल्ली शराब नीति और धन शोधन के मामले में जमानत की मांग करने वाली आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों याचिका पर जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 4 दिन पहले जो जवाब दाखिल किया था, वो कह रहे हैं कि कथित शराब नीति घोटाले से इनकम का पता लगाने और कई लोगों की भूमिका की जांच अभी जारी है, या उसी दलील के बिल्कुल उलट है जिसमें ये कहा गया था कि जांच पूरी हो चुकी है, फिर भी सिसोदिया को जेल में बंद रखने का क्या मतलब निकलता है। सिंघवी ने यह भी कहा कि ईडी ने दस्तावेजों को छुपाया है और उन्हें गैर भरोसेमंद दस्तावेजों की श्रेणी में डाल दिया है। 6ठे और 8वें अभियोजन की शिकायतों पर समीक्षा शुरू भी नहीं हो सकी है। वहीं आपको बता दें, सीबीआई भी गैर भरोसेमंद दस्तावेज पेश करने में नाकाम रही। वहीं सिंघवी ने यह भी कहा कि अब जो ये खतरा है ट्रिपल टेस्ट का, वो सीबीआई केस में भी मंडराता हुआ दिखाई दे रहा। उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए की धारा 45 में भी इसे ध्यान में रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि केवल इस आधार पर जमानत नहीं रोकी जा सकती कि आरोप जो है वो गंभीर है, 2.5 साल बाद भी कोई रिकवरी नहीं हुई। आपको बता दें, इससे पहले 29 जुलाई को सीबीआई और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने खंडपीठ को बताया था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर अपना जवाब जो है वो दाखिल किया था, लेकिन यह रिकॉर्ड पर नहीं आया था। वहीं एसवी राजू ने सिसोदिया की याचिकाओं पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह दिल्ली हाई कोर्ट के उसी आदेश को चुनौती देने वाली दूसरी विशेष याचिका है। जो उन्होंने ये भी कहा कि एक ही आदेश को दो बार चुनौती नहीं दी जा सकती। सिसोदिया ने जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली के हाई कोर्ट में 21 मई को आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने दो मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के निचली अदालत में 30 अप्रैल को आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी। अब इस तरीके से बार बार करना कहीं ना कहीं कोर्ट का समय बर्बाद करने जैसा है। वहीं शीर्ष अदालत ने कहा था कि कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा अंतिम अभियोजन शिकायत पर आरोप पत्र दायर करने के बाद सिसोदिया जमानत के लिए अपनी याचिका पुनः दाखिल कर सकते हैं। आपको बता दें, शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की कथित भूमिका को लेकर 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद 9 मार्च को 2023 परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सिसोदिया को सीबीआई के एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वो लगातार जेल में बंद है और वहीं आम आदमी पार्टी उनको छुड़ाने के लिए पूरी जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि अब सोमवार को मनीष सिसोदिया के मामले में किस तरीके से फैसला आता हुआ दिखाई देगा।